अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सन स्टार। दिस इज़ मी आमना समी, आपके लिए पुलाव की, मिक्स वेजिटेबल पुलाव की मैं रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार, जिसमें आप डालेंगे प्याज, उसको बारीक काटेंगे, उसको आपने डालना है ऑयल में, फिर उसके बाद उसको आपने ऑयल में डाल के थोड़ी देर के लिए उसको आपने फ्राई करना है। जब ये कलर आ जाएगा तो फिर आपने इसके अंदर डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर टमाटर। टमाटर आप 5 तकरीबन डालें चॉप किए हुए, और फिर उसके बाद आपने इसमें अदरक मोटा मोटा थोड़ा सा डालना है और कूटा हुआ भी डालना है, और आपने याद से इस सब्ज़ मिर्चों को कूट के डालना है। उसके बाद फिर आपने ये तीनों सब्ज़ियाँ डाल दी हैं और फिर इस तरह की लुक आएगी जी। अब तरीका कुछ इस तरह से है, प्याज फ्राई हो गया है, ये सारे मसाले हमने डाले हैं, टमाटर डाले हैं, और फिर उसके बाद हमने दही डाली है। दही हमने एक बाउल डालना है, ठीक है, छोटा सा, और वो इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये आप दही डालेंगे, दही का एक स्मॉल बाउल, और फिर उसमें आपने जो वेजिटेबल्स डाली हैं उसका मसाला जो आपने तैयार किया है वो आप इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें, तो इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने वैसे इसमें इमली भी डाल दी है, इसमें क्या कहते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, उससे टेस्ट वैसे अच्छा आता है। और उसके बाद जो आप उसको अच्छे से भुनाई करें ताकि वो थोड़ा सा फ्राई सा ना इसकी लुक आ जाए, फिर इसमें राइस डाल के आप उसको दम दे दें। और ये मैंने 2 किलो राइस की रेसिपी बनाई है, ठीक है, और अब हमने इनको सर्व किया है सैलेड के साथ, दही है, अचार है, और ये रेसिपी बनाई तो बनाई थी हमने आपके साथ शेयर करनी। वैसे तो ये जल्दी था, हमारे गेस्ट को बहुत पसंद आई है, आप ही ट्राई कीजिएगा और बाकी